कि यात्रा को एक महीना भी नहीं हुआ कि आरएसएस को मुसलमान याद आ गए, उनके साथ बैठा के बात करने लग गई है। सरसंघ चालक जी पूछ रहे हैं मुसलमानों के, आपकी तकलीफ क्या, आपको 50 साल से नहीं दिखी तकलीफ क्या है, और इनकी तकलीफ आपने जो खड़ी की है वो आपको नहीं दिख रही है। और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को पता लग गया कि देश में गरीबी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो मैं समझता हूँ कुछ तो भारत जुड़ना शुरू हुआ है भैया। आज इस देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो कि संवैधानिक सत्ता में बैठे हुए हैं, और इसलिए जो उस आग को बुझाएगा वो मेरा दोस्त है। उसका समर्थन किया उस आंदोलन का, मुझे उस में गर्व है। दुख मुझे सिर्फ एक बात का है कि उस आंदोलन से जो पार्टी निकली उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, और मुझ जैसे लोग उस कब्जे को रोक नहीं पाए, उसके लिए अफसोस, और अपने आप में माफी भी मांगता हूँ उस चीज के लिए। को रियलाइज हुआ कि वो जो 2014 वाला स्टेप था वो आपका गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, मुझे तो गर्व है आज भी कि हमने, जब पूरा देश भ्रष्टाचार के सवाल पे खड़ा हुआ, रामलीला मैदान में लाखों लोग भ्रष्टाचार का विरोध करने आए, मैं उनमें से एक था, मुझे इस बात का गर्व है। देश गरीब हुआ है, आज एक और रिपोर्ट बताती है 2 करोड़ लोग इस बीच गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं, और ये आलोचना करते हैं पिछले 2.5 साल में अडानी का साम्राज्य कितना बड़ा है। जिस दिन कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस दिन अडानी की संपत्ति कितनी थी? 66,000 करोड़ रुपीस, 66,000 करोड़ रुपया। अब करोड़ वोड़ तो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, आप समझ लीजिए 66,000 रुपये थे उसकी जेब में। 2.5 साल में पूरा देश गरीब हो गया, हर एक की जेब से पैसा निकल गया, अडानी की जेब में कितना था? 12,00,000 करोड़ रुपया आज उसके पास। मैं संयोग है, मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से 15 साल से जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरे को हमेशा लगा कि उनके बारे में जो छवि थी, जो जनता में छवि है, वैसा वो व्यक्ति है नहीं, लेकिन राजनीति में जो छवि होती है वही आप होते हैं। होगा या गांधी परिवार में जो कुछ कहेंगे सही होगा, ये सिद्धांत नहीं हो सकता कि अगले 2 साल तक बीजेपी का लॉन्ग टर्म एजेंडा और आम आदमी पार्टी का शॉर्ट टर्म एजेंडा वो बिल्कुल एक ही है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी है, इनका एक इतिहास है कि कांग्रेस के खिलाफ 2014 में ये अन्ना आंदोलन चला रहे थे, लोकपाल बिल के बारे में बात कर रहे थे, और अब ये राहुल गांधी के साथ अपनी टीम के साथ जो स्वराज इंडिया इनकी पार्टी है उनके साथ जो है राहुल गांधी को समर्थन दे रहे, तो ये बड़ा अलग तरह का विषय है। दूसरी तरफ जो है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसनाएं कर रही है, मगर गंगा जी में या जमुना जी में बहती हुई लाशों ने कोरोना काल की तमाम तस्वीरें देश के वासियों के सामने, तमाम तरह के लोगों के सामने रख दी थी। तो योगेंद्र जी, सबसे पहला ये है कि एक रिपोर्ट आई है जिसको CPI और WPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे ये लग रहा है कि जो छोटे विक्रेता है जो 10 रुपये 20 रुपये ठेलियों पर सब्जियां बेचते हैं उसका पूरा कंसेप्ट खत्म होकर सारा चीज़ जो है मॉल में शिफ्ट हो रहा है। तो हिंदुस्तान किसानों का देश है, जवाहरलाल नेहरू भी अपने आप को किसान कहते हैं, मोदी जी भी अपने आप को किसान कहते हैं, तो ये जो किसान है ये पुराने किसान का तो हाल खराब होगा, ये नए किसान के लिए कुछ सोच क्यों नहीं रहे? किसान से ज्यादा व्यापारी का सवाल है, छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है इस देश में। तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना ये हुआ करता था कि व्यापारी लोगों की पार्टी है, मैं कहता हूं तुम तो व्यापारी की पार्टी भी नहीं हो, सारा छोटा व्यापारी। व्यापारी कौन है इस देश का जो रेडी पे आता है, जो खोमचा लगाता है, जो अपनी छोटी सी परचून की दुकान चलाता है, ये व्यापारी है, और इनकी जेब से भी पैसा निकाल के आज अडानी और अंबानी की जेब में जा रहा है, और इसके लिए किसी विश्व बैंक की स्टडी की हमें जरूरत नहीं है। पिछले 2.5 साल में अडानी का साम्राज्य कितना बड़ा है, जिस दिन कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस दिन अडानी की संपत्ति कितनी थी? 66,000 करोड़ रुपीस, 66,000 करोड़ रुपया। अब करोड़ वोड़ तो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, आप समझ लीजिए 66,000 रुपये थे उसकी जेब में। 2.5 साल में पूरा देश गरीब हो गया, हर एक की जेब से पैसा निकल गया, अडानी की जेब में कितना था? 12,00,000 करोड़ रुपया आज उसके पास। सुना है कभी दुनिया में? सुना है 2.5 साल में किसी की संपत्ति 66,000 से बढ़के 12,00,000 हो गई? क्या जादू किया? कहां से पैसा आया? हवा से आया, पेड़ से आया, या इस देश की जनता की जेब से आया है? ये सवाल है, इसके लिए किसी विश्व बैंक की जरूरत नहीं है, ये पूछना चाहिए ये छोटे व्यापारी की जेब से गया है पैसा, ये
किसान की जेब से गया है, ये मजदूर की जेब से गया है, ये पेंशन वाले लोगों की पेंशन की पीएफ की जेब से गया है, इस सब से निकल के पैसा अडानी की जेब में आज जा रहा है। अगर इलॉन मस्क अमेरिका से आते, वो विश्व के नंबर वन व्यक्ति बनते, तो अगर गौतम अडानी हिंदुस्तान के, और वो अगर विश्व के एक नंबर व्यक्ति बनते, तो हिंदुस्तान का तो सर ऊंचा हो रहा है, तो लगातार विरोध क्यों चल रहा है? अगर वो पैसा ऐसे तरीके से कमाए जिससे हिंदुस्तान में बेरोजगारी कम हो, अगर दुनिया का नंबर दो पे हिंदुस्तान का आ गया है, तो भाई कुछ करोड़ नौकरियां तो होनी चाहिए ना इस देश में, उससे छोटा मामला नहीं है। जो आज उनकी संपत्ति है 12 लाख करोड़ रुपए की है, इसमें कितने रोजगार होने चाहिए? कम से कम 1 करोड़ रोजगार तो मिलना चाहिए इस देश को। कितना मिला है देख चेक कर लीजिए, अडानी ने कितना रोजगार इस देश को दिया है। इतना तो होना चाहिए कि इस देश में खुशहाली थोड़ी सी और बढ़े। खुशहाली बढ़ी है क्या? इस देश के 97% लोग पिछले 2.5 साल में गरीब हुए हैं, या तो उनकी इनकम कम हुई है, प्रॉपर्टी कम हुई है, एक बार बीमार हो गया कोरोना में, कुछ ना कुछ संपत्ति बेच के बाहर आया है, तो देश गरीब हुआ है। आज एक और रिपोर्ट बताती है 2 करोड़ लोग इस बीच गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं, और ये आलोचना करते हैं कांग्रेस सरकार की, जबकि 14 करोड़ रुपए गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए थे। ये सवाल पूछने को है। अगर अडानी के अमीर बनने से पूरा देश खुशहाल होता है, बहुत अच्छी बात है, बने अमीर, मुझे कोई समस्या नहीं है उनसे, मेरा कोई खुंदक नहीं है, लेकिन अगर अडानी के ऊपर जाने से पूरा देश नीचे जाता है, तो मैं तो सवाल पूछूंगा। 2014 में, चूंकि यात्रा का एक 30वां दिन है, आप लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं, 2014 में लोकपाल बिल लाने की बात हुई थी, और उसमें मनमोहन सिंह पर सवाल उठाने वालों में से प्रथम व्यक्ति, मतलब यह कह सकते हैं कि बड़े व्यक्तियों के नाम पे आप थे, और चूंकि कांग्रेस की जो सरकार गिरी उसमें अन्ना हजारे जी का, आपका और मिस्टर केजरीवाल का बहुत बड़ा रोल रहा, तो क्या इन सालों में, इन जो साल गुजरे 8 साल, इसमें आपको रियलाइज हुआ कि वो जो 2014 वाला स्टेप था वो आपका गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था। मुझे तो गर्व है आज भी कि हमने, जब पूरा देश भ्रष्टाचार के सवाल पे खड़ा हुआ, रामलीला मैदान में लाखों लोग भ्रष्टाचार का विरोध करने आए, मैं उनमें से एक था, मुझे इस बात का गर्व है। सिद्धांत ये नहीं होता कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है, सिद्धांत ये होता है कि फलां काम, फलां पॉलिसी सही है या गलत है, फलां काम सही है या गलत है। आप अगर सही के पक्ष में हैं तो मैं आपके पक्ष में हूँ, आप सही के खिलाफ है तो मैं आपके खिलाफ हूँ। सिद्धांत ये नहीं हो सकता कि मुझे ये पसंद है, जैसी भी टी शर्ट पहनेंगे इनकी टी शर्ट हमेशा अच्छी होगी, ये सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत ये होगा कि क्या चीज़ सुंदर है, बेहतर है। तब भ्रष्टाचार का सवाल इस देश का बड़ा सवाल था, हमने उसका समर्थन किया उस आंदोलन का, मुझे उसमें गर्व है। दुख मुझे सिर्फ एक बात का है कि उस आंदोलन से जो पार्टी निकली उस पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, और मुझ जैसे लोग उस कब्जे को रोक नहीं पाए, उसके लिए अफसोस, और अपने आप में माफ़ी भी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। जिन लोगों का कब्जा हो गया वो आज शहर में दंगा होता है, उसके ऊपर बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, मुझे इस बात पे शर्म आती है। शर्म इस पे नहीं आती है कि उस समय जो भ्रष्टाचार का आंदोलन था वो क्यों चला, और भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग घिरे उनका क्या हुआ। बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठनी चाहिए, आज भी उठेगी। आज इस देश का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो देश में सत्ता में है वो लोग इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, और उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के खिलाफ खड़ा होना है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। अब देश बचाने का सवाल है। एक ज़माने में सवाल था कि बेहतर साफ सुथरी सरकार कैसे मिले, फिर सवाल ये होता है कि लोकतंत्र कैसे बचे, अब तो सवाल ये है कि देश कैसे बचे। और ऐसा जब सवाल उठता है तो बाकी सब चीज़ों को मैं तुम्हें करता हूँ, सिर्फ ये पूछता हूँ। सिंपल सी बात है, घर में अगर आग लगी हो तो आपको कौन सी पार्टियाँ दिखाई देती हैं? तब आपको सिर्फ दो ही पार्टी दिखाई देती है, जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं वो एक पार्टी है, और जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है वो दूसरी बाल्टी है, बस दो ही बाल्टियाँ हैं। उसमें आप ये नहीं पूछते कि पानी की बाल्टी जो लेके आ रहा है कल मैं उससे मेरा झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ होगा यार, आज पानी की बाल्टी ला रहा है, मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं तो उसकी पानी की बाल्टी पकड़ूंगा। आज इस देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो कि संवैधानिक सत्ता में बैठे हुए हैं, और इसलिए जो उस आग को बुझाएगा वो मेरा दोस्त है। मिस्टर अन्ना हजारे तो गलत लीडरशिप के तहत चले गए, आज वो पूरे 8 सालों से एकदम मौन व्रत है, वो किसी तरह का कोई बात नहीं कर। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए कोई व्यक्ति कभी भी आदर्श नहीं रहा है, मेरे लिए कोई एक पार्टी कभी भी आंख मूंद के सपोर्ट करने की चीज़ नहीं रही, मेरी अपनी पार्टी भी।
सिद्धांत ये नहीं हो सकता कि अन्ना जो कुछ भी कहेंगे सही होगा या गांधी परिवार में जो कुछ कहेंगे सही होगा, ये सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत ये है जिस दिन अन्ना ने ऐसी बातें कहीं जो देश के हक में थी, हमने सपोर्ट किया, वो नहीं कहते मैं नहीं करता सपोर्ट उसका। राहुल गांधी 31 दिन में किस तरह से उनका जो व्यक्तिगत है वो डेवलप हुआ है और वो लोगों से बहुत अटैच हुए, क्योंकि उनके ऊपर एक एलिटिज्म का लगातार उनके ऊपर इल्जाम लगता रहा, तो राहुल जी क्या अब जनता के करीब है, क्या वो लोकप्रिय हो चुके हैं 2024 के प्रधानमंत्री के? सवाल आपका बहुत अच्छा है, किसी कांग्रेस वाले से पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको जरूर बहुत अच्छा उत्साह जवाब भी देगा। मैं समझता हूँ इसका सबसे अच्छा जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना वो दे सकते हैं, उसके सबसे अच्छा जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं, है ना। मैं संयोग है, मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से 15 साल से जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरे को हमेशा लगा कि उनके बारे में जो छवि थी, जो जनता में छवि है, वैसा वो व्यक्ति है नहीं। लेकिन राजनीति में जो छवि होती है वही आप होते हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आप सड़क पे काम करते हैं उसी से आपकी छवि बनती है, और अगर वो छवि बदल रही है या नहीं वो आपको पता लग रहा होगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी, बहुत सारे लोग जो है जो कांग्रेस के समर्थक है या दूसरे दल के हैं, वो कहते हैं कि अगर केजरीवाल को अगर आप वोट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बीजेपी को वोट कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था और चूंकि दिल्ली NCR का सीट जो है 40% इफेक्ट करता है, मगर एक सीट केजरीवाल जीतने में कामयाब नहीं रहे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी वहां गिरा दी, दिल्ली में सरकार थी वहां गिराई, और अब गुजरात में है, तो क्या सच में भाजपा केजरीवाल को एक समर्थन कर रही है, ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्वेशन फील हुआ? ऐसी कोई खुफिया बात हो तो कम से कम मुझे तो पता नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये तो नहीं कह सकते कि आप अपना इलेक्शन मत लड़ो, आप जीतने की कोशिश मत करो। केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, उनका हक बनता है लोकतंत्र के अंदर। सिर्फ एक बात मुझे महसूस होती है, बाकी अंदर की कोई डील किसी की किसी से है मुझे तो पता नहीं भाई। कई लोगों का बड़ा होता है, मुझे पता है फलां की फलां से सेटिंग हो गई है, मुझे तो पता नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि अगले 2 साल तक बीजेपी का लॉन्ग टर्म एजेंडा और आम आदमी पार्टी का शॉर्ट टर्म एजेंडा वो बिल्कुल एक ही है, क्योंकि बीजेपी का लॉन्ग टर्म एजेंडा है कांग्रेस खत्म हो, और आम आदमी पार्टी फिलहाल अपनी पॉलिटिकल गुंजाइश जिन इलाकों में ढूंढ रही है वहां जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी उनको गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो दोनों का रास्ता एक है। अब रास्ता एक होने के लिए कोई कमरे में बात हुई हो, सेटिंग हुई हो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, आपका रास्ता एक है। तो अगले 2 साल तक दोनों का रास्ता एक है और वो देश के लिए बहुत खतरे की बात है। आखिरी सवाल, कर्नाटका में एक तकरीबन 10 दिन है, यहाँ पर 2018 में जनता ने मत दिया किसी और को, सरकार बनी किसी और को, तो आप इतना चल रहे हैं तो क्या लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ? वो तो इस चलने से थोड़ी हुआ, वो तो 2-3 साल से हो रहा होगा। अब 40% CM वाली बात होती है और सारा कर्नाटका खड़ा हो जाता है तो भाई कुछ तो चक्कर होगा ही। तो सरकार की भ्रष्ट होने की जो छवि है बीजेपी सरकार की, और ये सरकार है जिसका तो जन्म ही पाप में हुआ, है ना, जीते नहीं, सरकार बनाई तो पाप से तो सरकार बनी है, पाप से सरकार बनेगी तो पाप के काम करेगी, वो कर रही है। लेकिन मैं इस यात्रा को केवल चुनाव के रूप में नहीं देखता। पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है राहुल जी को लगातार, कर्नाटका जीत रहा है, ऐसी रिसोर्सेज आ रहे। ये बात आप कांग्रेस वालों से पूछिए, और चूंकि एक जमाने में मैं पॉलिटिक्स देखा और समझा करता था, कोई सोच ले कि किसी एक यात्रा से चुनाव जीत लिया हार लिया वो गलत है, काम करना पड़ता है। जमीन पे काम ना किए तो किसी एक यात्रा से चुनाव ना आप हारते हैं ना जीतने का काम एक यात्रा से नहीं होता, जीतने के लिए आपको हर बूथ में जाके मेहनत करनी पड़ती है, तो वो एक अलग चीज। हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ना आपके वोट में इंटरेस्ट है, ना कर्नाटका के इलेक्शन में इंटरेस्ट है, ना उसमें इंटरेस्ट है, मुझे भारत के जुड़ने में इंटरेस्ट है। और मुझे एक बात अच्छी लगती है कि यात्रा को एक महीना भी नहीं हुआ कि RSS को मुसलमान याद आ गए, उनके साथ बैठा के बात करने लग गई है, सरसंघ चालक जी पूछ रहे हैं मुसलमानों की आपकी तकलीफ क्या, आपको 50 साल से नहीं दिखी तकलीफ क्या है, और इनकी तकलीफ आपने जो खड़ी की है वो आपको नहीं दिख रही है। और RSS के जनरल सेक्रेटरी को पता लग गया कि देश में गरीबी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो मैं समझता हूँ कुछ तो भारत जुड़ना शुरू हुआ है भैया, नहीं तो ऐसा क्या होता है। जो राजनीतिक विराम है इस यात्रा ने कितना अब तक कम किया होगा, 10% 20%? बहुत लंबा काम है, इतना जहर इस देश में फैलाया इन लोगों ने, और मैं इसे देशद्रोह कहता हूं। अगर सचमुच कोई देशद्रोह है तो ये है, किसी देश में दो बड़े समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ तोड़ लड़ाना देश तोड़ने की साजिश है, नहीं तो और क्या है। दिस इज सेडिशन, ये जो बीजेपी RSS जो कर रही है ये सेडिशन है,
और इसलिए इतना गहरा इन लोगों ने जहर बोया है कि मैं कह दूं कि साहब एक यात्रा से एक महीने में कम हो गया, खुशफहमी होगी। सिर्फ इस जहर को निकालने की शुरुआत करने का रास्ता खुलना शुरू हुआ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इतना हो जाए, कर्नाटका से मेरी खास उम्मीद रहती है, कर्नाटका में बहुत जहर की फैक्ट्री भी यहाँ पे लगी है, लेकिन ये बसवन्ना का प्रदेश है, ये कुवेंपू का प्रदेश है, ये मेरे सबसे प्रिय लेखकों का, चिंतकों का, कल्चर का प्रदेश है, तो वायरस भी यहाँ पैदा हुआ है, तो इंजेक्शन भी यहीं पे बनेगा कर्नाटका में। तो योगेंद्र यादव जी से बात हो रही थी, लगातार कर्नाटका से जुड़े तमाम तरह के सवाल है, CIC WI की रिपोर्ट, PWI की रिपोर्ट, और तमाम रिपोर्टों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसनाएं जरूर हो रही है, मगर सच्चाई कुछ और है। अब देखते हैं कि 31वां दिन का यात्रा है, RSS के तरफ से आप जो बात राहुल जी कह रहे हैं वही RSS के संचालक या RSS के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, तो इतना तो जरूर है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का असर अब शायद जो है RSS के खेमे में या RSS के घरों में दिख रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।